funniest DJ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ईशान एंड यू वाचिंग लेजी बम राइडर्स वीडियो। तो पहला वाला जो ब्लॉग बनाया था गाड़ी परचेज करने के समय का जो ब्लॉग बनाया था, वो सब तो मैंने जितना हो सके वो दिखाया आपको। अभी 500 गाड़ी मेरा चल चुका है और दो ही हफ्ता हुआ है बस, इसी में 500 किलोमीटर क्रॉस कर गया। तो मैं आया हूँ फर्स्ट सर्विसिंग के लिए। अभी पीछे आप देख सकते हैं ये जो TVS सर्विस सेंटर है, इसका नाम है सैम TVS सर्विस सेंटर का नाम है। तो मैं सुबह सुबह आया, थोड़ा सा लेट हो गया, 11 बज गए, लेकिन मेरे को मिल गया, अभी ले लिया अभी। और अभी बाकी का वीडियो दिखाते हैं, जितना हो सके मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि फर्स्ट सर्विस क्या क्या होता है, क्या क्या चेंज किया जाता है या फिर कितना खर्चा पड़ता है, वो सब मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। और एक और चीज़, मेरे को यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए पहले परमिशन लेना पड़ा, लेकिन पूरा परमिशन तो नहीं मिला। बोला कि थोड़ा थोड़ा जाके अब मैं शूट कर सकता हूँ, ये ज़्यादा टाइम वहाँ पर अंदर नहीं रह सकता, तो जितना हो सके मैं शूट करूँगा वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। और ये जो सर्विस सेंटर है ये कोलकाता जोशोट के ऊपर है, जोशोट अर्सलन जो पड़ता है, मतलब टूअर्ड्स नागर बाजार और नियर बाई डायमंड प्लाजा मॉल। तो अगर आपको ये सर्विस सेंटर में आना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और आप फोन करके भी बुकिंग ले सकते हैं। तो और मेरा गाड़ी का भी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, अभी तक दो हफ्ता भी नहीं हुआ, गाड़ी बहुत बहुत गंदा हो चुका है, एक बार पूरा कीचड़ जमा हुआ है अंदर, मतलब यार इतना धूल जम गया है कि देखो पूरा दाग दाग पड़ रहा है यहाँ पे। इधर इधर देखो, इतना धूल हो गया कि इसमें हम अपना नाम भी लिख सकते हैं। सो ये यहाँ का रिसेप्शन है और ये है यहाँ का वेटिंग रूम। सो ये जो बैग दिया हुआ है TVS आपको शोरूम से दिया जाएगा आपको, ये यहाँ पर ही सब कुछ लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो लिखा हुआ है फास्ट सर्विसिंग 30 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ परचेज, आपका जिस डेट पर गाड़ी परचेज करेंगे उसके हिसाब से अगर 30 डेज जब हो जाएगा तब ये लोग आपको कॉल कर लेगा और या फिर आप भी आकर सर्विसिंग करवाए, और नहीं तो और 5000 से 750 किलोमीटर के अंदर आप सर्विसिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका 500 किलोमीटर क्रॉस कर जाए तब आपका डिजिटल मीटर पे एक सर्विसिंग का सिंबल आ जाएगा, ठीक है, तब भी आप भी आके यहाँ पर सर्विसिंग करवा सकते हैं। या फिर नहीं तो अगर आप नया गाड़ी खरीदने के बाद आप नहीं चला रहे, 500 नहीं हो रहा है, तो आप 30 डेज जब क्रॉस हो जाएगा तब आके आप सर्विसिंग करवा सकते हैं यहाँ पर। और ये जो दूसरा जो सेकंड सर्विसिंग है या फिर 60 डेज लिखा हुआ होता है या फिर 2500 से 3000 तक, ये आपको जब फर्स्ट सर्विसिंग करेंगे तभी आपको बता दिया जाएगा कि आप कौन सा महीने में आएंगे या फिर उसके आप जिस महीने में सर्विसिंग करने जाएंगे उसके हिसाब से आपको दूसरा कौन सा महीने में आना पड़ेगा वो ये लोग ही बता देगा, या फिर कितना किलोमीटर के बाद आपको पड़ेगा ये भी ये लोग बता देगा, क्योंकि जो ऑयल होता है मोबिल ऑयल होता है उसके हिसाब से आपको ये लोग बता देगा कि आपका गाड़ी कितना चलेगा, उसके हिसाब से आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो सर्विस सेंटर आने के बाद पहला जो प्रोसेस है आपको, आप जाएंगे रिसेप्शन में, रिसेप्शन में जाके आपको ये बुक देना पड़ेगा जो आपको शोरूम से दिया जाएगा, और आप आपका जो क्या क्या प्रॉब्लम है ये सब आप बताएंगे, उसके हिसाब से आपको बिल बना दिया जाएगा, और बिल बनाने के बाद ये आपको दिया जाएगा एक, देख सकते हैं, एक स्लिप दिया जाएगा, और आपको वेटिंग टाइम में वेटिंग के लिए बोला जाएगा कि आप साइड में जाके बैठ भी सकते हैं या फिर आपको घर अगर पास में है तो आप घर भी जा सकते हैं, अगर हो जाएगा तो ये लोग आपको फ़ोन करके बता देगा। मैंने जब अपना सारा प्रॉब्लम बताया, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है वो सब बताया, रिसेप्शन में जो भैया बैठे थे वो एक बार चाबी लेके गाड़ी चला के आए, गाड़ी एक बार ट्विस्ट ड्राइव करके देख लिया क्या क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, उन्होंने तो बताया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। और थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि एकदम ये जो सर्विस सेंटर है एकदम रोड के ऊपर है और बहुत सारा लॉरी जा रहा है या गाड़ी चल रहा है बहुत सारा, इसलिए हॉर्न का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने वीडियो चला के भी प्ले करके भी देखा अभी कि बहुत ज़ोरों की हॉर्न की आवाज़ घुस रहा है माइक पे, सो प्रॉब्लम के लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ठीक है।
अभी जो है हमारा गाड़ी अंदर लेके आ चुका है। अभी गाड़ी के नीचे डब्बा रख दिया जहाँ पर जो पुराना वाला ऑयल है उसको निकालने के बाद इसमें गिरेगा। अब ये भैया नीचे का जो नाट लगा रहता है जहाँ से ऑयल निकाला जाता है वो जगह को खोल के ऑयल को निकाल रहा है। ये आप देख पा रहे हैं जो ऑयल था वो सब निकल चुका है। अब ये दूसरा ऑयल फिल्टर को चेंज किया जा रहा है और ये जो हिस्सा खुला जा रहा है यहाँ पर ही ऑयल फिल्टर लगा रहता है। और ये है हमारा नया ऑयल फिल्टर जो लगा दिया गया। इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ के फिर इसको फिट कर दिया। आप ऑयल का जो नट खोला था वो उसको लगा दिया जा रहा है। और Apache RTR 4V पर 1200 ml का एक ऑयल लगता है जो TVS का खुद का एक ऑयल है जिसमें 1200 ml आता है, लेकिन सर्विस सेंटर में ये अवेलेबल नहीं है अभी। तो ये लोग मुझको पहले पूछा कि सर ऑयल तो ख़त्म हो गया तो ये दूसरा ऑयल आप ले सकते हैं, मतलब एक लीटर का एक जार है और 200 ग्राम एक्स्ट्रा और डाल दिया जाएगा। तो मेरे को पहले परमिशन लिया और उसके बाद मैंने भी बोला कि कोई बात नहीं आप डाल दीजिए, और ये सिंथेटिक ऑयल है फुल। अभी चेन को टाइट किया जा रहा है। और अभी ये डीजल से अच्छे से चेन को वॉश किया जा रहा है, जहाँ जो धूल मिट्टी था वो सब निकाला जा रहा है। अभी गाड़ी को लेके जा रहा है धोने के लिए।
अभी ये लोग फैन लगाएगा। अभी हमारा गाड़ी का धोने का काम कंप्लीट, थोड़ा सुखाने के लिए बाहर लेके आया हुआ है। और गाड़ी को बहुत अच्छे से धोया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। चेन को अच्छे से कपड़ों से पोंछ के फिर इसके ऊपर चेन लूप लगाया जाएगा, जो स्प्रे होता है चेन लूप का वो डाला जाएगा। अभी थोड़ा क्लच को भी एडजस्ट कर रहा है ये लोग, जिसके कारण गियर शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है अगर ठीक ठाक क्लच एडजस्ट नहीं रहता। ये थोड़ा सा ढीला रहेगा, थोड़ा सा काम तो पूरा कंप्लीट। तो ये भैया से मिलिए, ये इसका नाम है प्रशांत। इन्होंने बहुत हेल्प किया मेरे को, इन्होंने ही परमिशन कर दिया अंदर वीडियो शूट करने के लिए, वरना अलाउ नहीं है, अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो दादा थैंक यू, थैंक यू दादा। कांटेक्ट करिए, इसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मिल जाएगा आपको, तो भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते। अभी सर्विसिंग का काम पूरा कम्प्लीट हो चुका है और मैं आया था करीब 12 बजे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बजे। सो करीब 2 घंटा लगा मेरे को और ये मिल गया मेरा बिल। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना खर्चा हुआ मेरा। तो आपका जो सर्विस चार्ज होता है वो तो आपका फ्री रहता है, लेकिन जो सामान लगेगा उसका आपको पे करना पड़ेगा। जैसा कि मेरा पड़ा है इंजन ऑयल 400 रुपया और एक्स्ट्रा ऑयल जो आपका इंजन में पूरा 1 लीटर 200 ग्राम मतलब 1200 ml तक का ऑयल लगता है, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल डालना पड़ा। तो इस यहाँ पर जो ऑयल था वो है 400 रुपये का और एक्स्ट्रा जो ऑयल पड़ा वो 42 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज लिया है और चेन लूप का 112 रुपया लिया है। तो कुल मिला के टोटल जो कॉस्ट हुआ है ये 554 आप देख रहे हैं, ये 554 रुपया लगा टोटल। तो इतना ही लगा और सर्विस चार्ज तो पूरा फ्री है। और सो हम आ चुके हैं अपना घर और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक ठोक दो और कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में जाके कह सकते हैं। और आपको शोरूम का अगर डिटेल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैप का लिंक दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा यार, ये शोरूम वाले जो थे बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्ट किया, मतलब वीडियो करने दिया, वरना तो कोई किसी भी सर्विस सेंटर में अलाउ नहीं है, यहाँ पर भी अलाउ नहीं है क्योंकि अंदर सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग अंदर जाने दिया, मेरे को शूट करने दिया, ठीक है। तो अगर आप कोलकाता साइड से है तो यहाँ पर सर्विस करवाना चाहते हैं टीवीएस का गाड़ी तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, फिर से बता रहा हूँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार, आज पूरा दिन बहुत
थकान हुआ मेरा, ठीक है। तो कुछ तो आशा करता हूँ यार तुम लोगों से, ठीक है। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। बात करते करते बहुत बार ठीक है बोल दिया, ठीक है, सॉरी।